Hey everybody, welcome back to the channel. This is Miraj Mishra Chaudhary and guys, आज हम करने वाले हमारे day 62 का workout. Day 62 का workout करने से पहले बहुत सारे लोग offend हो गए जब मैंने last video बनाई थी अभी दो दिन पहले cycle वाली. तो भाई मैं cycle पर अभी भी नहीं use करी है, दो चार छह दिन अभी इसमें बिजी जाएगा तुम्हारी सीरीज बनाने में. उसके बाद आधे मेरे भाई ये पूछ रहे थे कि भैया आपने जो ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन किया है ये बहुत अच्छा किया दो महीने के अंदर और कैसे कैसे हुआ है. तो भाई मैंने डे वन ही जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अभी मैं देसी चीजें खा रहा हूँ. तो जो मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई करने के लिए, जो टेस्टोस्टेरोन को लेवल में लाने के लिए मसल गेन सबसे ज्यादा कम होता है जब हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है. नेचुरली जितना हमारा बॉडी बना रही है लेकिन साइड से भी हम कुछ सप्लीमेंट लेते हैं. तो उसके लिए मैंने दिखाया था भाई आपको, ये शिलाजीत है और नेचुरल शिलाजीत है भाई, अखाड़े से लेकर आया था, पहलवान लेकर आए थे पहाड़ों से. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारी इसके अंदर नकली चीजें मिल जाती है, आपको शायद ना मिले क्योंकि पहाड़ों पे भी आप जाओगे ना तो वो ब्लैक कलर का कुछ भी उठा के दे देते हैं कि भैया प्योर शिला जीता है. दूसरा जो है ये हो गया हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, जो हमारा मसल गेन कराने में हमारी हेल्प करेगा, मेरी जिसने हेल्प की है. दूसरा जो मैंने खाया था वो खाया था कीड़ा जड़ी मेरी स्ट्रेंथ के लिए. अब कीड़ा जड़ी भी आप लोग बहुत मुश्किल से, कुछ लोग खा भी सकते हैं कुछ लोग नहीं भी खा सकते, प्योर मिले ना मिले, लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी ये कीड़ा जड़ी होती है और भाई एक किलो भी खाओगे ना कम से कम 25 लाख रुपए की आती है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगा है भाई, सोच से भी ज्यादा पड़े. एक ऑडी ले लो या बॉडी में ये कीड़ा जड़ी डाल लो तो ये जो आपको एक महीने की सर्विंग जो मिलेगी ना वो कम से कम मिलेगी 20 से 25 हजार रुपए की. पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपकी बॉडी पर रिजल्ट आ रहा है. मैं काफी टाइम से खाता था, पहलवान भाई है मेरे बहुत सारे तो वो बताते रहते हैं. तीसरा मेरी स्किन के लिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि भैया स्किन के लिए क्या किया है, कि स्किन आपको मेरी दिख रही होगी, जब मैं आया था तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई थी. तो स्किन के लिए मैंने खाया भाई केसर, फेस के ऊपर कितना भी कुछ लगा लो तो उससे ग्लो नहीं आता है, इंटरनल आपका आज बॉडी के अंदर क्या जा रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो केसर मैंने खाया भाई, मैं Q&A वाली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि रात को एक पानी में 10-12 किशमिश डालो, 5-6 पत्तियां केसर की डालो और उसको सुबह उठ के पी लो, या फिर दूध के अंदर भी आप केसर डाल सकते हो. अब ये जो शिलाजीत है भाई, शिलाजीत है ये आपका होगा कि भैया अब हम आपको तो प्योर मिल गई क्योंकि आपके पास बहुत सारे पहलवान हैं, उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की, हम कहाँ से लाए. तो भाई जो मेरे भाई हैं, देखो कीड़ा जड़ी तो आप मुश्किल खा पाओगे, मिलेगी नहीं पहली बात, और दूसरा मिलेगी तो बहुत ज़्यादा महंगी है. केसर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, बहुत सारे केसर आती है, बट मेक श्योर ओरिजिनल ही खाना. तीसरा आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, जो मेन चीज़ है हमारी बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, जो शिलाजीत है वो आप नेचुरल कहाँ से लाओगे तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है पहाड़ों में. कपीवा का शिलाजीत आपको दिख रहा होगा भाई, बहुत अच्छी उन्होंने पैकिंग बनाई हुई है और कपीवा का बहुत अच्छा नाम है जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में है. बहुत सुंदर सी इन्होंने इसके साथ स्कूप दी हुई है और बहुत सुंदर सी इसकी छोटी सी डब्बी आपको देखने में बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसको खाना भी बहुत कम ही होता है. जब भी आप दूध गर्म करो इसको खोलो, खोलने के बाद उल्टी चम्मच से इसके अंदर एक ड्रॉप लो और दूध के अंदर इसको छोड़ दो, गर्म होता जाएगा वो दूध अपने आप खींच लेगा. अगर अंदर डाल दोगे तो वो एक ऐसे ना गोंद की तरह बनके उसमें जिसमें भी आप गर्म कर रहे हो दूध उसके नीचे बैठ जाएगा और आपको वो पीते टाइम ना वो नीचे वैसे ही रखा हुआ मिलेगा. तो दूध के अंदर ऊपर से डाल दो, जैसे ये दूध है इसके ऊपर से डाल दो और ये गर्म होके दूध अपने आप खींच लेगा. तो ये कपीवा का शिलाजीत है और शिलाजीत के फायदे भाई क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहली चीज तो जब आप शिलाजीत लेना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना शुरू कर देता है, जो कि आपको मसल बिल्डिंग में और मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जितना ज्यादा बॉडी में आपकी टेस्टोस्टेरोन जाएगा, लोग साइकिल क्यों लेते हैं, जो स्टीरॉइड्स लोग लेते हैं, बॉडी बिल्डर लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा उनकी मसल बिल्डिंग होगी. आप मेरे भाई जो नेचुरल लिफ्टर्स हैं, जो नहीं जाना चाहते उस लेवल पर या नहीं कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते, वो भाई कैसे मेरे इंक्रीज करेंगे अपना टेस्टोस्टेरोन, शिलाजीत खा के. जैसे मैंने बताया दूध के अंदर डालो और जितना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी मसल बिल्डिंग होगी, मसल रिकवरी उतनी ज्यादा होगी. और दूसरी चीज इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो फल्विक एसिड इसके अंदर है, जो जैसे यहाँ पे लिखा नोन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड वाइगर, मतलब आपके जो सेक्सुअल वेलनेस होती है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और उसके अंदर भी वो भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो शिलाजीत इज द बेस्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन, टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल हेल्थ, टू इम्प्रूव योर सेक्सुअल वेलनेस. जो कपीवा का और ये जो कपीवा का शिलाजीत है ये लैब टेस्टेड है, GMP टेस्टेड है और FSSAI से अप्रूव्ड. और इसके अंदर ये जो कपीवा का शिलाजीत है इसके अंदर किसी भी तरह के हैवी मेटल नहीं है, जो हमारी बॉडी में हैवी मेटल जाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं, तो इस तरह का कोई भी हैवी मेटल इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा. और सबसे बड़ी जो मेन चीज है शिलाजीत के यूज करने के बाद, जैसे ही आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहना शुरू हो जाएगी, थकान जो होती है थके थके फील करते हो वो दूर हो जाएगी, हार्ट हेल्थ आपकी इंप्रूव रहती है और ब्रेन आपका काम रहता है, मतलब शांत रहता है.
और जो शिलाजीत यूज करते हैं उनका, जैसे बहुत सारे लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट हेल्थ में उनको पेन होता है जॉइंट्स वगैरह में, तो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है मेरा भाई, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है हाउ टू यूज कपीवा हिमालयन शिलाजीत। अगर आप दूध में ले सकते तो दूध में ले लें, अगर आप पानी में लेना चाहते तो पानी में भी ले सकते हैं। किसी को दूध नहीं पीना, लैक्टोज इंटॉलरेंट है मेरा भाई, तो पानी के अंदर आप डाल के पानी के अंदर भी पी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जिसको लेना है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करें और बाय कर लें, देखें कि आपको कितना ज्यादा फायदा आपके मूड में, हार्ट हेल्थ में, आपके जॉइंट्स में, आपके टेस्टोस्टेरोन में, आपकी सेक्सुअल वेलबींग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर इसको एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 100% नेचुरल चीज है, तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला है आपकी मसल बिल्डिंग में भी, मसल रिकवरी में भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर सकते हैं और टेस्ट करके देखिए और मुझे बताइए कैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये हो गया भाई जो मेरे भाई पूछ रहे थे, बहुत सारे मेरे भाई मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने इतनी जल्दी नेचुरली कैसे कर दिया, कुछ सब भी शौक है ना वो, तो उन भाइयों को मैंने बता दिया भाई देख लेना थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो अभी चलेंगे जिम और रोड टू जिम, हमारा तो रोड टू जिम ही है, तो जिम जा रहे भाई, करते हैं हमारा डे 62 का वर्कआउट। और आज का जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, थोड़े से ट्राइसेप्स करेंगे और चेस्ट करेंगे, तो बाकी की बात हम जिम में ही जाके करते हैं, लेट्स गो बाय। सो गाइस हम आ गए जिम के अंदर और अब हम करने वाले हमारा डे 62 का वर्कआउट जो होने वाला चेस्ट करेंगे पूरी 8 एक्सरसाइज और सुपर सेट करेंगे जैसे हमने कल बैक में किया था, और उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप्स की बस दो एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम चेस्ट करते हैं तो हमारे ट्राइसेप्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम दो एक्सरसाइज कर लेंगे हमारे ट्राइसेप्स के लिए, जो उस जिससे कि हमें बहुत अच्छा पंप मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा 2 से 3 दिन के बाद हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पूरा करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ पूरे हफ्ते में बैक वाले दिन बाइसेप्स को पंप किया है, चेस्ट वाले दिन बाइसेप्स को। तो वैसे तो देखो साइंस और सर्टिफिकेशन जो बोलती है वो ये बोलती है जब आप बैक करते हो तो बैक के साथ आप एक दो एक्सरसाइज कर लो बाइसेप्स की, छोटी मसल है, ओवर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। और ट्राइसेप्स को चेस्ट के साथ कर लो, छोटी मसल है, ओवर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बट भाई देखो मुझे मजा नहीं आता पूरा जब तक मैं तोड़ू ना इनको अच्छी तरह और ट्राइसेप्स को ना तोड़ू, और जब मछलियाँ ना निकले जब तक फायदा क्या, डोले गोल उठे ना निकले, तो पूरा मैं तो करूँगा भाई। और आप भी ऐसे ही फॉलो कर लेना, नहीं करना होगा तो चेस्ट और बैक वाले दिन कर लेना, कोई रूल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आंख बंद करके फॉलो करने की मुझे, पर मैं करता हूँ भाई, मैं अपने टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ बिना देरी के जल्दी से चलेंगे हमारे चेस्ट वर्कआउट की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो वार्म अप होता है, बहुत जरूरी है भाई ब्लड फ्लो तेज करने के लिए, तो सबसे पहले हम करने वाले हमारे चेस्ट के लिए पुशअप्स, आप भी जरूर करें 2 से 3 सेट करें, 10-15-20 रेप करें, बहुत ज्यादा करके चेस्ट को थकाए ना, तो मैं करने वाला हूँ वार्म अप। और जो मेरे भाई अभी मुझे कल से एक लोगों को मैसेज आया कि भाई आप जब इतना अच्छा ट्रांसफॉर्म कर रहे थे नेचुरली, तो आपको ने ये शुरू क्यों किया एनाबॉलिक्स पे, आप क्यों गए? तो भाई देखो आपको मैं फिट रखना चाहता हूँ, मेरा जो आपको मोटिवेशन देने का रीजन है वो ये है कि आप फिट रहो। अभी देखो मैंने अपने आपको भी 2 महीने में नेचुरली फिट किया है, इतना मोटा पेट हुआ करता था अभी 2 महीने पहले मेरा, आप सारे लोगों ने देखा। और भाई अभी देखो जितनी मेरी फिजिक है ना, इतनी भी कर लोगे ना, इतनी नेचुरली अचीवेबल है, आप अचीव कर सकते हो, मैंने भी नेचुरली करी है ना, तो इतनी भी आप कर लोगे, बहुत हमारे हिंदुस्तान में ना बहुत लाखों करोड़ों की ऐसी भी फिजिक नहीं है जैसी मेरी अभी है नेचुरली, जो मैंने 2 महीने में की है। लेकिन मेरी लाइन पूछ ली ना मेरे भाई, मुझे भी सॉन्ग रिलीज करना है, उसके बहुत खतरनाक बॉडी दिखानी है, आप लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करना, तो थोड़ा बहुत चलता है। और आप मना करोगे तो वो भी लेना बंद कर दूंगा। और दूसरी चीज अगर मैं नेचुरली भी कर देता ना, मैं तो कर लेता, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मसल मेमोरी है और मेरे मसल वैली भी है और बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, एक लेयर आ गई है फैट की, उसको हटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, 4 की जगह 6 महीने मर जाती, नेचुरली भी हो जाता, लेकिन कोई मानता ही नहीं यार। जब बॉडी बन जाएगी कोई मानेगा कि नेचुरली करा? कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता है ये बंदा वो है जो बेमन से कहते आ रहा है कि मैं लेता हूँ। तो जब बदनाम है तो फिर थोड़े से और बदनाम से क्यों जबरदस्ती का बोलते, ठीक है? तो भाई आप मना करोगे तो नहीं लूंगा, बता देना, ठीक है? मानना फिर भी किसी ने है नहीं, जब एंड में बॉडी तैयार होती है सब भी कहना कि साले इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाते, पाउडर खा के बॉडी बनाते, हाँ मनाते, बात खत्म, ठीक है? तो जल्दी से कर रहा हूँ वार्म अप, उसके बाद चेस्ट वर्कआउट करूंगा, कैसे कैसे करूंगा वो आपको बताता हूँ। तो हमने बहुत ज्यादा नहीं थकाना है आपको भाई, ठीक है? और चेस्ट मेरी इंजर्ड है तो सारे लोगों को पता है, तो थोड़ा सा हल्का वेट मैं करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 रैप के आप भाई 2 से 3 सेट कर लेना बस, चेस्ट पंप हो जाएगी, मैं 2-3 सेट और कर लूँ और फिर चलते हैं हमारे।
सो गाइस मेरा जो चेस्ट में सबसे फेवरेट वर्कआउट है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस और अपर चेस्ट, क्योंकि क्या होगा देखो बॉडी हर टाइम हमको कपड़े उतार के नहीं दिखानी होती, तो मैं बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता हूँ। सबसे ज्यादा क्या दिखता है, हमारे शोल्डर दिखते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा शोल्डर ट्रेन करता हूँ। ये प्रो टिप है, थोड़े बहुत बाइसेप्स ट्रेन करता हूँ और चेस्ट में अपर चेस्ट ट्रेन करना कभी भी नहीं छोड़ता। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम शर्ट पहनते हैं दो बटन खुले रखते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, अगर हम राउंड नेक थोड़ा बड़ा पहनते हैं जैसे मैं पहनता हूँ, अपने बहुत फोटोज में देखा होगा, उसमें हमारी जो अपर चेस्ट होती है वो बहुत अच्छे से दिखती है, तो बहुत मैनली लुक आता है, मजा आता है शो ऑफ करने में। नीचे की दिखे ना दिखे, ट्रेन तो नीचे की भी करनी है, कभी कभी कपड़े भी उतारने होते हैं, ऐसा नहीं है, तो स्मार्ट तरीके से वर्क करना। क्योंकि देखो जो जानवरों में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, गधा करता है सबसे ज्यादा। मैंने गधा करता ना, तो क्या गधे की बॉडी होती है, नहीं होती। सबसे कम काम कौन करता है और स्मार्ट काम कौन करता है, शेर करता है, और शेर के मसल्स तो आपने देखे ही होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हम ट्रेन कर रहे हैं, और जो पहले महीने मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि फ्री वेट ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे, बिकॉज हम बिगिनर जैसी हालत थी हमारी, हम वेट नहीं उठा पा रहे थे, मैं तो स्पेशली नहीं उठा पा रहा था अभी डेढ़ दो महीने पहले, तो हम बारबेल से कर रहे थे। अभी हम फ्री वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो जल्दी जल्दी फटे, जल्दी जल्दी रिकवर हो, ज्यादा ज्यादा हमें मजा आए, ठीक है। तो इंक्लाइन बेंच पर हम डंबल करेंगे 15 से 18 रेप के लिए करेंगे, उसके साथ सुपर सेट करेंगे हमारा केबल क्रॉस ओवर। और क्योंकि मेरी चेस्ट अभी थोड़ी सी इंजर्ड है, डॉक्टर ने तो मुझे रेस्ट बोला था, बट प्राण जाए पर वचन न जाए वो वाली बात है, तो सीरीज का टाइम आ चुका था, तो भैया वीडियो तो बनानी है, वेट तो उठाना है, तो कितना रेस्ट करें। तो इसको उठाने के, इसमें हैवी डंबल उठाने की टिप होती है, बहुत सारे लोग नहीं उठा पाते, चेस्ट इंजर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले जितना भी हैवी डंबल है उसको अपने घुटनों पर रख लो, सीधी सीधी बात है, रख लिया सिंपली। अब इसको पांव से धक्का देना होता है घुटने से, ठीक है। मैं डरवा कह रहा भैया धीरे करना, चेस्ट में पैर से इस तरह से धक्का देना है। ये हमने पहले सीधे वाले को दिया और फिर उल्टे वाले को दिया और ये सिंपली उठ गया और मेरी चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हो गया, माँ का सम रहन दो, कम कर लो। तो अब हम कर रहे हैं हमारे 16 रेप के लिए, आ रहे हैं पार, देखी जाएगी। 1 2 आवाज आ रही है भाई, 3 हाँ देख, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और डंबल को फेंकने की जरूरत नहीं है, दोबारा से घुटनों पे रखो और इस तरह से रेस्ट नहीं लेंगे। 15 रेस्ट नहीं लेना, इसीलिए मैं ट्यूजडे को करवा रहा हूँ आपको चेस्ट वर्कआउट, ताकि मंडे को भीड़ ना मिले, तो मशीन साथ में मिल जाए। इसके साथ हम कर रहे हैं हमारा केबल क्रॉस ओवर, 15 16 18, ठीक है। 1 2 हाथ पीछे जाने में सीधे रहेंगे हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। किसी ने सही कहा, ज्यादा जिद कर रहे ठीक ना है, पर हम तो शेर हैं, हम तो करेंगे जिद। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पहला वर्कआउट। अब हम 30 से 40 सेकंड का रेस्ट करेंगे, इसके बाद दोबारा इंक्लाइन डंबल प्रेस, देन केबल क्रॉस ओवर, 2 सेट हो जाएंगे, देन 30 से 40 सेकंड का रेस्ट, बैठेंगे 30 से 40 सेकंड रेस्ट करेंगे। आपके पास कोई ड्यूरिंग वर्कआउट ड्रिंक है, BCAA ग्लूटामाइन क्रिएटिन, तो आप वो पीते रहें, मेक श्योर हाइड्रेटेड रखें खुद को, फिर वो इस तरह से आपको 4 सेट करने, 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेके, मेक श्योर रेस्ट जो होगा वो आपका कम से कम होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ। सेकंड वर्कआउट जो होगा हमारा वो होगा इंक्लाइन बेंच पर डंबल फ्लाई और वन हैंड, इसको मेरा नाम याद नहीं है यार, बोलिए तो बता दूंगा कैसे करना,
नाम भूल जाता हूँ यार मैं कभी कभी, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया भाई, 9 महीने दूर रहा हूँ, 10 महीने थोड़ी इज्जत करो भाई। अब भूल जाता हूँ यार क्या कर सकते हैं, मैं दूसरे फोन से ना ऐसे ऐसे गूगल करके भी चेक कर सकता हूँ, पर भूल गया तो भूल गया, उसमें कोई वो नहीं है, जो चीज़ रियल है वो रियल है, आई कांट हेल्प इट। सच बोलने का ना लूलू है मेरे पिछवाड़े में। क्या है लूलू? अब हम ले रहे हैं इनकम टच के ऊपर डंबल फ्लाई करेंगे हमारे 16 रैप के लिए। लूलू मीन्स कीड़ा, मुझे तो पता है लूलू अच्छा है सुन रहा। तो डंबल फ्लाई करेंगे, पूरा हाथ स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टच कराने, इससे मिट्टी गिर रही है, 10 बार में टच नहीं कर रहा हूं, 8 9 10 11 12 13 14 15 रेस्ट नहीं ना आ। यहाँ पे हमें केबल एक्सटेंशन करवा रहे, केबल एक्सटेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, वर्कआउट करते टाइम ना मैं वर्कआउट मोड में चला जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता मैं जो क्या बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ। पुली के ऊपर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जहाँ आपकी नेक है यहाँ पे आपको पुली लगानी है, और काश मैंने सैंडो पहना होता, मैं तुमको अपनी चेस्ट दिखा पाता, बट आई विल ट्राई दिखाने का। इसमें आपने क्या करना, सिर्फ इस तरह खड़े होना सीधे, ठीक है, और हमको ये कोशिश करनी है ये भी हमारे साइड में रहेगा, और इधर हमारे कोई खड़ा जो हमें तंग कर रहा था हम उसको मुक्का मारना, सीधे खड़े ऐसे घूमना नहीं है, बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े मुक्का मारना। तो जब आप ये मुक्का मारोगे तो आपकी जो अपर चेस्ट है इतना सही पंप आपको देगी, आपको कहोगे भाई क्या बताया मजा आ गया। तो हमने इस तरह से ये हम खड़े हैं और यहाँ लाना है, बहुत से लोग यहाँ लेके जाएंगे, मैं भी गलती करता करता था शुरू में, फॉर्म समझ में नहीं आती है, बट फॉर्म समझ लो, जब फॉर्म सीख होगी तभी आपको मजा आएगा वर्कआउट करने में। भाई यहाँ से इसको खींचना है और बिल्कुल यहाँ लेके जाना है, इस शोल्डर के पास लेके जाना है, इस शोल्डर के ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, जहाँ शोल्डर है इसकी सिदाई में पैरलल है, ये शोल्डर है तो यहाँ हमारा हाथ जा रहा है, ठीक है। तो करके देखना इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सीधे खड़े और हमारे इस शोल्डर के पैरेलल, 1 2 3 4 5 6 आप देखो मैं खराब कर लेता हूँ टी शर्ट तुम्हारे लिए, 7 8 दिख रहा है अपर चेस्ट, 9 10 इस तरह से। तो ये हो गई हमारी अपर चेस्ट के लिए, हमने 4 एक्सरसाइज कर ली, सुपर सेट करना है इसके, 16 16 रैप करना, मैंने कम करें, एक ही चीज को बताने में इतना लंबा करूं वीडियो, रेस्ट लेंगे देन डंबल फ्लाई देन ये देन 30 से 40 सेकंड का रेस्ट देन वो देन ये। तो आपने 4 सेट करने पूरे, कंफ्यूजन नहीं रखनी है भैया, पहले डंबल फ्लाई फिर ये फिर 30 से 40 सेकंड का रेस्ट फिर डंबल फ्लाई फिर ये, जब आप एक बार डंबल फ्लाई कर लोगे फिर ये कर लोगे तब जाके आपका एक सेट होगा, इतना सिंपल होता है। मेरे भैया कैसे करना है, कितना रेस्ट लेना है, क्या भोंक रहा हूँ मैं, और मेरे को इतना गुस्सा आता है जब ऐसा मूवमेंट पढ़ता हूँ ना, एक भी भैया रेस्ट कितना लेना है, भैया कितने सेट मारने कितने रेप मारने, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार, इतना सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ फिर भी, डंबल फ्लाई फिर ये फिर 30 से 40 सेकंड का रेस्ट एक सेट हो जाएगा ये हमारा, फिर दोबारा से डंबल फ्लाई फिर ये फिर 30 से 40 सेकंड का रेस्ट फिर रेस्ट हो लेंगे 30 से 40 सेकंड, 2 सेट हो गए, रैप 15 16 17 18 जितने आप मार पाओ, ठीक है। अब हम करेंगे, पहले मैं इसके सेट निपटा लूं देन मिलता हूं फिफ्थ वर्कआउट के साथ। सो गाइस फिफ्थ वर्कआउट हम करने वाले हैं हमारे लोअर चेस्ट के लिए, जो होता है हमारा डिक्लाइन बेंच प्रेस, वो हम कर रहे हैं बारबेल के साथ, आपको डंबल से करना तो आप डंबल से भी कर सकते हैं,
मैं बारबेल से कर रहा हूँ, इसके साथ हम करेंगे हमारा केबल क्रॉसओवर। वो कैसे करेंगे, सुपर सेट में करने वाले हैं, शेक साइज हो जाएंगी। चलते हैं हमारे फटाफट से 15 से 18 रेप की तरफ। वर्कआउट करते करते बताने में तेल निकल जाता यार, दूसरों को करवाओ तो मजा आता है, खुद करो ना, मट्टी पलीत है। सांस चल गया भाई, वर्कआउट करते करते रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, और फिर वीडियो बोल रहा हूँ बना रहा हूँ तो सांस तो चलेगी। आधे कुत्ते कहते हैं भाई तुम्हारी तो सांस चल गई, तुम्हारा माल ज्यादा चल रहा है। ऐसे भी हुआ मैं, अभी तो चला ही ना, 3 दिन तो सारे हुए हैं, 3 दिन तो रखे हुए ना, उदन उदन देख के गुस्सा आ गया था ना। एटीएम में गाड़ गाड़। चलो कोशिश है हमारी 15 से 18, ठीक है। फोर तो ऐसा करो, 100 किलो मेरे चेस्ट में पेन है, थोड़ा समझो। पूरा टच करना नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कोई रेस्ट नहीं लेना भाई, आ जाओ, रेस्ट नहीं है, रेस्ट के चक्कर में थूत लगती मेरी अभी, थूत लगती वक्त। सामने आओ, मैं बता जा रहा हूँ, पीछे से शॉक नहीं होगा। अब ये हमने करना हमारा डाउन टू अप, ठीक है। ये बेस्ट वर्कआउट है हमारे लोअर चेस्ट के लिए, जिन लोगों के लोअर चेस्ट पर फैट है, ठीक है। तो ये सीधे हाथ है हमारे, यहां से ऊपर खींचना है, यहां होल्ड करना है, स्क्वीज कराना है, यहां से खींचना, और हाथ हमारे मुड़ेंगे नहीं। बहुत सारे दिन राजा आ गया वर्कआउट करना है तो पता क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, चेस्ट में तो भाई सब हो रही है, तो हाथ नहीं मुड़ेंगे, यहां से हम लेंगे और यहां से सीधा ऊपर माथे के सामने यहां लाके रोक देना, देन वापस जाना, चेस्ट को फील करते हुए देन ऊपर आना। इस तरह से हमने परफॉर्म करना है। तो करेंगे हमारे 15 से 18 कंटिन्यू। ये हम आ गया है, जैसे मैंने बताया हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से अब फिर से सुन लो भैया, 15 से 18 रह, ये हमारा एक सेट हुआ है। अब हम 30 से 40 सेट का रेस्ट करेंगे, देन डिक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे, देन ये करेंगे 15 से 18 रह, फिर हमारे 2 सेट हो जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर वो फिर ये, फिर रेस्ट, फिर वो फिर ये, फिर रेस्ट, 4 सेट करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे हमारी साथ की एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको लग रहा है ज्यादा वर्कआउट हो रहा है तो आप या 3 सेट कर लेंगे, जरूरी नहीं है 4 सेट का, ठीक है। वैसे वर्कआउट ज्यादा ही हो जाएगा, मजा आ जाएगा, लेकिन क्या ना कह के करना ना यार, 2 महीने हो गए, 2 महीने और बचे हमारे पास, तो हमने बढ़िया करके मेहनत करनी है। लगे ज्यादा हो रहा है 3 सेट कर लेना, पर कर जरूर लेना जितनी बता रहा हूँ उतनी, और रिजल्ट ना आए तुम्हारा जूता मेरा हूँ, ठीक है। इतनी लिबर्टी मैंने दी नहीं अपने बाप को छोड़कर आज तक किसी को, तुम्हें दे रहा हूँ, ना आए तो भैया चांटे लगा लेना। अब चलेंगे हमारे, पहले मैं इनके निपटा लूँ 3 सेट, और उसके बाद चलते हमारे लास्ट वर्कआउट। लास्ट सुपर सेट वर्कआउट है हमारा, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, मशीन है तो मशीन पे कर लें, मशीन नहीं है तो फ्लैट बेंच जो होती है, जो फ्लैट बेंच होती है, जो सीधी वाली ऐसे वाली बेंच होती है, लंबी ऐसे ना ऐसे, सीधी वाली, फिर क्या समझ में आया, सीधी वाली बेंच के ऊपर डंबल प्रेस कर लेना, 20 किलो के डंबल से, 25 किलो के डंबल से 10, 12, 15 रैप निकाल लेना, क्योंकि हमारे पास मशीन है, पैसा लगाया मशीन में तो भाई मजे लेंगे ना मशीन के। तो हमने 15 से 18 रैप करने मशीन के, लाइक दिस।
सेम भैया फ्लैट बेंच पे लेट के डंबल प्रेस करोगे तो भी यही फील आएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठीक है। कोई रेस्ट नहीं करना भाई, आप चलेंगे हमारे पैक डेक फ्लाई की तरफ। पैक डेक फ्लाई बोले तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बोले तो चेस्ट के बीच की मशीन आ रहा। चेस्ट के बीच की मशीन बिना रुके 16 रेट, बिल्कुल सीधे हाथ यहां से भी और वापस जाने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो ये हमारा लास्ट वर्कआउट। उसके बाद हमने सेम ऐसे ही करने 3 दिन सेट और। अगर आप 4 ना कर पाए, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, तो 3 दिन कर ले। फिर से चेस्ट प्रेस, डंबल प्रेस करने डंबल प्रेस कर लो, मशीन है तो मशीन कर लो, देन ये देन 30 से 40 सेकंड रेस्ट, देन वो देन ये देन 30 से 40 सेकंड रेस्ट, देन वो देन ये 3 से 4 सेट कर ले। मतलब वो और ये करोगे तब जाके एक सेट होगा। 32 रैप का एक सेट है, 16 उसके 16 इसके। इसके बाद हमने चेस्ट हो जाएगी, चेस्ट के बाद हमारे ट्राइसेप्स पंप हो जाएंगे। तो आज हमने सिर्फ ट्राइसेप्स को पंप करना, अंदर का शेर जाग जाए पूरी मत मार देना, जितनी बता रहा हूँ चुपचाप उतनी कर लेना। अभी 2 दिन बाद हमारा फुल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का नंबर आएगा, तो ज्यादा एक्साइटेड होके ज्यादा मत मार लेना, ठीक है। पहले हमने इसके मारने सिंपल ग्रिप रखनी, थोड़ा दूर रहना मशीन से, और हमने 15 से 18 रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे 15 रेप हो गए, एक और नहीं 16, ठीक है। देन सुपर साइड में रिवर्स क्रिप कर लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये हमारे 16 रैप हो गए। तो इसके आप 3 सेट कर लेना बस। अभी 20-30 सेकंड का रेस्ट लेके पहले ये वाली ग्रिप, फिर ये वाली ग्रिप, तो इस तरह से 3 से 4 सेट कर लेना। ये आपका हो जाएगा हमारा डे 62 का वर्कआउट। इसके बाद आप थोड़े बहुत एब्स करना चाहें कर लें, कैसे करने थोड़े हार्ड वर्क करके कर लेना। कल या परसों में मैं एब्स का वीडियो डाल दूंगा पूरा, इस हफ्ते में जैसे हमने करना हार्ड वर्क करके एब्स करने, एक या दो दिन कर लेना बस बहुत है। इसके बाद हमारा करना हमने 30 से 40 सेकंड बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ वर्कआउट करते मैं दूसरे दिन बोल रहा हूँ। तो हम करेंगे हमारा 30 से 40 मिनट कार्डियो, आज वो बात करेंगे ट्रेडमिल। सो गाइस, जैसे मैं 2 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ, कार्डियो बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये जो पेट गया है ना, ये कार्डियो से गया, वेट ट्रेनिंग से नहीं। वेट ट्रेनिंग से तो डोले आते, पेट जो जाता है, जो फैट जो जाता है, वो कार्डियो से जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे 40 मिनट कार्डियो, आप भी 30 से 40 मिनट कार्डियो कर लें। जैसे मैं रोज बोल रहा हूँ, कल वाले वीडियो में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मेक श्योर फैट लॉस करना है या लीन मसल गेन करना है। मसल गेन आपका डाइट से और वर्कआउट से हो जाएगा, लेकिन फैट लॉस जो होगा वो कार्डियो से ही होगा। तो भाई कार्डियो जरूर कर ले, मैं जा रहा हूँ 40 मिनट के लिए कार्डियो करने। तो अब मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कल का वर्कआउट क्या होगा वो कल ही बताऊंगा। और आप मंडे से आपने शुरू कर दिया, कल हमने बैक किया है, आज हमने चेस्ट किया, इसी तरह से 6 दिन के वर्कआउट डालूंगा, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। चेस्ट इंजर्ड है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पेन हो रही थी वर्कआउट करने में, पर ठीक है भाई, फॉलो करना ना करना तुम्हारा काम है, नहीं करोगे तो लॉस में रहोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ऐसी पर्सनल ट्रेनिंग पैसे देके भी नहीं मिलेगी, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं गुरु जी के अंडर कर रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग, बट मेरे को उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, तो भाई गुरु जी मेरा चेंज होना है वर्कआउट, मेरा डाइट बता दो, तो कई बार फॉलो अप लेना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है।
तो भाई तुमको फ्री में मिल रहा और इतना डेडिकेटेड होके मिल रहा विद वीडियोस बनाने वाला मिल रहा है इतना चुतिया, ठीक तुम्हारा महीना पूरा नहीं होता चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, मेंटली उस सिचुएशन में नहीं हूँ, फिजिकली नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे को याद रहता है कि मेरे कुछ भाई फॉलो कर रहे हैं तो मुझे वीडियो डालना है, मुझे बनाना है, उन तक वीडियो पहुँचाना है और टाइम टू टाइम, मंडे का वर्कआउट है तो संडे मुझे वीडियो देना ही देना, ट्यूजडे का वर्कआउट है तो मंडे मैंने वीडियो देना ही देना, ताकि आपको एक दिन पहले मिल जाए और आप जिम में जाके परफॉर्म कर पाए। तो ठीक है, थैंक यू भाई, करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बॉडी के ऊपर रिजल्ट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और जो मेरे भाई फॉलो कर रहे हैं मुझे फोटोज भेजते हैं तो उनको देख के भी बहुत खुशी होती है। अब बाकी तुम्हारे ऊपर करो मतलब, थैंक यू सो मच, कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मैं थोड़ा चक्कर में कोई देना है टक्कर में, बाय।